हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। NCERT की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। वुमेन SC ST, कोई फीस नहीं है। 36 सब्जेक्ट में जो है वो वैकेंसी है। तो इन जो है सब्जेक्ट को हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है सब्जेक्ट वाइज क्या मांगी गई है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। प्रोफेसर की सैलरी जो है नोटिफिकेशन में आप देखिएगा लेवल 14 के अकॉर्डिंग है और एसोसिएट प्रोफेसर की 13 के अकॉर्डिंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। काफ़ी अच्छी सैलरी है। प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख से अबव है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। जो भी क्वेश्चन इस वैकेंसी से संबंधित रहेंगे वो आप लोगों के क्लियर होंगे। आपको आंसर जो है इसी में मिलेगा। वीडियो अंत तक देखें। साइट पर आते हैं। वैकेंसीज जो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर 174/2024 फॉर फिलिंग अ वैकेंट एकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। परमानेंट वैकेंसी है बिल्कुल। अप्लाई नाउ, अगर आपको अप्लाई करना होगा तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। अभी जो है डेट बढ़ा दी गई है, 27 अगस्त 2024 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के आगे है क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस, पूरा जो है नोटिस पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले जो है डेट क्या थी, तो पहले वीडियो बनाया गया था, डेट थी 16 अगस्त 2024, लास्ट डेट थी। ठीक है, आप जो है नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो आपको ये मिलेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर जो है कुल 36 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, कंप्यूटर एजुकेशन की, संस्कृत की, आर्ट एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्टेनोग्राफी में, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, फिजिक्स, आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, साइकोलॉजी या एजुकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी एजुकेशन में और एक सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशनल साइकोलॉजी, सिक्योरिटी या डिफेंस साइंस या मिलिट्री साइंस, ये बहुत कम जो है देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद जो है ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन स्टडीज है, उर्दू सब्जेक्ट है, एजुकेशन के जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन में आप देख लें जैसे कि वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, गर्ल्स एजुकेशन, एम्पावरमेंट है, पीस, टीचर ट्रेनिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग है, मैथमेटिक्स एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, कंपेरेटिव एजुकेशन, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वोकेशनल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सभी जो है एजुकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत है। पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है और हिस्ट्री है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 123 है। ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, जैसे सोशियोलॉजी में SC कैटेगरी की एक वैकेंसी है, EWS की एक है और OBC की एक है। पॉलिटिकल साइंस में OBC के अंदर एक वैकेंसी है प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। ऐसे ही जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अब देख लेते हैं इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन के लिए अगर प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी दोनों, तो आप सभी जानते हैं प्रोफेसर के लिए जो है आपके पास मास्टर डिग्री, PhD या फिर नेट क्वालिफाई आप हैं और 10 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस जो है आपका इसमें होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है PhD वाले और मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं 8 साल के अनुभव के साथ में। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री आपकी 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, आपने नेट, स्लेट, सेट क्वालिफाई किया है या फिर आप PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एडमिशन लिया है PhD में तो भी आप इसमें अप्लाई करें। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और
पीएचडी वाले जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर के लिए पे स्केल जो है वो 1,44,200 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है 1,31,400 है, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो पे स्केल है 57,700 है। ठीक है, तो आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं, जिनका नेट क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई है, तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पीएचडी वाले और प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी के साथ में जो है 10 साल का अनुभव आपका होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने पढ़ाया हो, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर या रिसर्च एक्सपीरियंस लेवल पर। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, एप्लीकेशन फीस ज़्यादा है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी वुमेन कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कोई फीस नहीं है। तो वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है, बाकी जो है अगर आप अप्लाई करेंगे तो पूरी पीडीएफ फाइल को पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वो मैंने बता दिया, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट नंबर 174/2024 इसके आगे ही जो है अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, इस पर बस क्लिक कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है, और अप्लाई कर देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।